हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त हमारे वीडियो पे कमेंट किया है, उसी कमेंट का जवाब इस वीडियो में आज हम देने जा रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले कमेंट है कि कतर वीसा कितने दिन में निकलता है। नंबर दो में जो क्यूवीसी रिपोर्ट है कतर वीसा सेंटर का, वो कितने दिन में आता है, चाहे वो कितना घंटा में आता है। नंबर तीन में क्यूवीसी होने के बाद कितने दिन में वीसा निकल जाते हैं। तो ये तीन सवाल का जवाब इस वीडियो में आज हम देने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये तीन सवाल बहुत ही स्पेशल है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमेशा हमारे वीडियो पे यही तीन सवाल कमेंट करता रहता है दोस्तों। इसीलिए ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और आप सब हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हुए बताते हैं। तो सबसे जो पहला कमेंट है, कतर का वीज़ा कितने दिन में निकलता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि कतर जो वीज़ा है उसका फिक्स नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे जो एजेंट होता है, जो ट्रैवल्स एजेंसी होता है, जो मेन पावर एजेंसी होता है अपने अपने कंट्री में, जैसे कि नेपाल में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जहाँ पर भी, वो सब क्या बोलता है कि कतर वीज़ा जो एक महीना में आ जाएगा, दो महीना में आ जाएगा, तीन महीना में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, कतर वीसा निकलने में कम से कम तीन से चार महीना लग जाता है दोस्तों। क्योंकि अभी का जो रूल्स है दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी कतर वीसा के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, चाहे आप ट्रैवल्स एजेंसी के थ्रू, चाहे एजेंट के थ्रू, चाहे अपना आपका कोई आदमी है कतर में, तो वो आपका जो वीसा निकाल रहे हैं, तो किसी के थ्रू अगर आप कतर वीसा निकालते हो, तो सबसे पहले जो आपका जो कंपनी है कतर में, जो होता है कंपनी, वो कंपनी आपके लिए वीसा ऑनलाइन इशू करेगा। वीसा ऑनलाइन इशू करने के बाद आपका वीसा ऑनलाइन शो नहीं होगा, ऑनलाइन तो दिखाएगा वीसा अंदर प्रोसेस पर, वो रेडी टू प्रिंट में नहीं आएगा। क्योंकि अभी जो रूल्स है क्यूवीसी का, तो सबसे पहले कतर वीसा सेंटर में आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपका जो मेडिकल है वो होने के बाद, जो बायोमेट्रिक टेस्ट है वो होने के बाद, वीसा रेडी टू प्रिंट में आता है, अगर आप क्यूवीसी पास हो जाते हैं तब। तो दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस होने में कम से कम तीन से चार महीना लग जाता है। अगर आपका जो एजेंट है, आपका जो ट्रैवल्स एजेंसी है, अगर आपको जो बोलते हैं कि वीसा आपका एक महीना में निकल जाएगा, दो महीना में निकल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, वीसा निकलने में कम से कम तीन से चार महीना लग जाते हैं। नंबर दो पे जो कमेंट किया है, नंबर दो का जो सवाल आपको बताते हैं कि क्यूवीसी होने के कितने दिन बाद वीसा निकलता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपका क्यूवीसी हो गया, आपका जो मेडिकल टेस्ट, बायोमेट्रिक टेस्ट, आपको सब चीज़ हो गया है क्यूवीसी के अंदर, तो उसके दिन नहीं होता है दोस्तों, कोई फिक्स नहीं होता है, ना घंटा होता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि पाँच और सात महीने पहले क्या था, जब जो कोविड का जो शुरुआत हुआ, जो कतर के अंदर जो कोविड बढ़ने लगा, तो उस दौरान क्या हो गया, क्यूवीसी में लेट होने लगा। पहले क्या था कि अगर आप क्यूवीसी पास होते थे, तो उसके ठीक आपका 48 घंटे के बाद आपका जो वीसा है वो रेडी टू प्रिंट में आ जाता था। कम से कम आपको 48 घंटा और लेट हो गया तो 72 यानी कि 72 घंटा, पर अभी ऐसा नहीं दोस्तों, आपका जो क्यूवीसी रिपोर्ट आने में कम से कम 7 दिन भी लग सकता है, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट है क्यूवीसी का वो 7 से 8 दिन लगाता है, तब जाके आपका जो वीसा है वो रेडी टू प्रिंट में आता है। तो वीसा निकलने का प्रोसेस वही है दोस्तों, जो जब तक आप क्यूवीसी पास नहीं होते हैं तब तक आपको वीसा जो रेडी टू प्रिंट में नहीं होता है। तीसरी नंबर पे क्या है कि क्यूवीसी रिपोर्ट कितने दिन में आता है। दोस्तों, जो नंबर टू का जो सवाल है, क्यूवीसी रिपोर्ट और क्यूवीसी पास होने के बाद जो वीसा निकलना, वो दोनों सेम ही है दोस्तों। क्योंकि अगर आप क्यूवीसी रिपोर्ट के बात करते हो, तो क्यूवीसी रिपोर्ट आने में कम से कम आपको अभी के टाइम में 7 दिन भी लग सकते हैं, 7 से 8 दिन, उसके बाद आपका जो क्यूवीसी रिपोर्ट आएगा। और क्यूवीसी रिपोर्ट आते ही आपका जो वीसा है वो रेडी टू प्रिंट में आते हैं। तो उसमें आपको सबसे पहले बता दूँ, आपको जो कन्फ्यूजन लगता होगा कि मैं बता रहा हूँ कि क्यूवीसी आने के बाद वीसा रेडी टू प्रिंट में आ जाता है, एक बात इसमें क्या है कि अगर आप पास होते हो क्यूवीसी, जो क्यूवीसी में जो मेडिकल होता है, बायोमेट्रिक टेस्ट होता है, अगर आप सब टेस्ट पार कर लेते हो, तो उस दौरान आपका जो वीसा है वो रेडी टू प्रिंट में आएगा। अगर आप क्यूवीसी पास नहीं होते हो, तो एक महीना तक आपका जो वीसा है वो अंदर आउटसाइड प्रोसेस में ही दिखाएगा, क्योंकि
अगर आप QVC जब तक पास नहीं होते हो, सपोज आप QVC गए थे, आपका टेस्ट हो गया, आपका जो मेडिकल टेस्ट जो सैंपल होता है वो देके आ गए आप QVC में, बायोमेट्रिक टेस्ट वो भी आपका फिनिश हो गया, उस दौरान आपका जो रिजल्ट है अगर 7 दिन तक नहीं आ रहा है, लेट हो रहा है, तो समटाइम्स क्या होता है कि 15 दिन भी लग जाता है QVC रिपोर्ट आने में। और अगर 15 दिन में भी नहीं आया तो आपका जो QVC है, अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हो अपने कंट्री से, तो QVC से आपको कॉल आएगा, क्यों कॉल आने के बाद आपको कॉल करेगा कांटेक्ट करने के लिए QVC में। कांटेक्ट करने के बाद आप QVC जाते हो तो आपको दोबारा फिर भी टेस्ट करना पड़ेगा, जैसे बायोमेट्रिक टेस्ट हो गया, मेडिकल टेस्ट हो गया। अगर आपको एक बार, दो बार, तीन बार कॉल आएगा QVC से, फिर भी अगर आप पास नहीं होते हो तो आपका जो वीसा जो स्टेटस है वो आ जाएगा, क्लोज करके आ जाएगा। उसके बाद आपको मानना है कि आप मेडिकल फेल हो चुके हो, QVC फेल हो चुके हो। तो यही सब प्रोसेस है दोस्तों वीसा निकलने में, और सब प्रोसेस करने में कम से कम आपको 3 से 4 महीना लग जाता है। अगर आप QVC फेल हो जाते हो तो आपको 6 महीना वेट करना पड़ेगा, 6 महीने के बाद आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। तो 6 महीना वेटिंग करना पड़ता है दोस्तों QVC फेल होने के बाद। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों फिर कुछ खास लेके। इसलिए अगर आपको कोई राय देना हो, कोई कमेंट करना हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हो। तो बाय बाय दोस्तों, आज के लिए इतना ही।